वीडियो शुरू करने से पहले आपको मैं चार इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। पहली इंफॉर्मेशन ये है कि यूट्यूब के अलावा किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हम नहीं है, लाइक इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड फेसबुक। सेकंड इंफॉर्मेशन ये है कि आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल, काफ़ी लोगों ने फेक बना के रखा हुआ है, तो आप लोग कभी भी सर्च करके ज्वाइन मत करिए, हमेशा यूट्यूब के वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप ज्वाइन करिए। थर्ड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये कि हमारी कोई भी ऑफलाइन क्लासेस नहीं है। कुछ हमारे ही स्टूडेंट, कुछ अदर लोग हमारा नाम यूज़ करते हैं, वो स्कैम करते हैं, बाकी बाद में लोग हमसे सीखने के लिए आते हैं, वो हमें बताते हैं। तो हमारी कोई भी ऑफलाइन क्लासेस नहीं है, हमारी ओनली ऑनलाइन क्लासेस है, उन स्केप में आप मत फंसिए। फोर्थ इंफॉर्मेशन ये कि हम जो भी ट्रेड देते हैं उसको प्रॉपर प्राइस एक्शन फॉलो करके एंड प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करके आप ट्रेड करिए। हमारा प्योर मोटिव प्योर एजुकेशन प्रोवाइड करना। थैंक यू। वीडियो शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में मैंने बोला, G20 जब तक है मार्केट गिरेगा नहीं, जब भी डिप मिले बाई करना है, एंड काफी अच्छा ऊपर गया निफ्टी भी बैंक निफ्टी भी, एंड मैंने आउट द मनी कॉल लेने के लिए बोला था, इन द मनी के लिए बोला था, निफ्टी की पब्लिक ग्रुप में डाला था बैंक निफ्टी की कॉल के लिए। 150 वाली जो 45,000 कॉल थी वो 500 से ऊपर गई थी, मैंने 600 का टारगेट दिया, मैं दिया था कि बड़ा टारगेट दिया कि मैं 600 तक भी जा सकती है, लेकिन वो 500 प्लस गई थी। मीन्स काफी अच्छा 3 गुना कैपिटल, मीन्स लास्ट 2-3 दिन से वो ट्रेड हो रहा है, जिसमें 2-3 गुना आराम से हो जा रहा है। ये जो हमारा करंट बैच है वो आज हम फिनिश कर रहे हैं, और बीच बीच में आपके लिए लाइव मार्केट में आपकी हेल्प के लिए मैं आता रहूंगा, आपकी मदद करता रहूंगा, और पुराने स्टूडेंट के साथ हम सब साथ में डिस्कस करिए, अच्छे से सब चीजें करिए। न्यू बैच जो है 9 अक्टूबर से स्टार्ट करेंगे, तब तक जो आपको पढ़ा है उस पर अच्छे से प्रैक्टिस, अच्छे से मेहनत, एक दूसरे की मदद करेंगे एज ए फैमिली। ठीक है, ये अप्रोच हमारी सबकी रहनी चाहिए। जैसे मेरी एज ए फैमिली है, तो बाकी सब लोगों की भी एज ए फैमिली अप्रोच होनी चाहिए। बेस्ट प्राइस एक्शन लर्निंग कर रहे हैं हम, और सबसे बेस्ट है कि हम लाइव मार्केट के अंदर कर रहे हैं, लाइव में अपने डाउट्स क्लियर कर रहे हैं, सब चीजें कर रहे हैं। एंड अभी जो मैं बता रहा हूँ नेक्स्ट कमिंग वीक के लिए निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का एनालिसिस कर लेते हैं, एक बार समझ लेते हैं। जो अभी स्टूडेंट नहीं आए वो बाद में देख लेंगे, उनको अलग से समझा देंगे। निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का एनालिसिस पूरा हम समझते हैं कि कैसे रिएक्ट करने वाला नेक्स्ट वीक को मार्केट, इस वीक कैसा रिएक्ट किया है, तो क्या देखेंगे फिर इस वीक कैसा रिएक्ट कर रहा है, तो क्या देखेंगे वीकली कैंडल को देखेंगे। तो वीकली कैंडल के अकॉर्डिंग निफ्टी तो कह रहा है कि ये कैंडल और बन जानी चाहिए, चार्ट में तो ये दिख रहा है। कहने का मतलब वीकली कैंडल पे जिस तरीके से का प्राइस एक्शन हो रहा है उस तरीके से तो ये लग रहा है एक कैंडल अगले वीक और बन गई ग्रीन, तो कोई प्रॉब्लम है क्या कि 20,000 प्लस चला जाए, 20,200, 20,300, कुछ भी नहीं है, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, बट जब हम डे ट्रेडिंग करते हैं एंड थोड़ा स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, तो हमें लेवल्स पे करना होता है कि कहाँ से उठेगा मार्केट, कहाँ से गिरेगा, उस वॉलेटिलिटी का बेनिफिट उठाते हैं, उस वॉलेटिलिटी का बेनिफिट उठाते हैं, तभी हमारी डे ट्रेडिंग या स्विंग ट्रेडिंग सक्सेसफुल होती है। जस्ट एक कैंडल को देखने से नहीं कि पता लगे पुल बैक लेते लेते आधा यहाँ तक आ जाए, यहाँ मार्केट का अब ये जोन बन चुका है। कौन सा? ये जोन। कहने का मतलब मीडियम टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मीडियम टर्म के लिए आने वाले महीनों के लिए 19,300, 19,200 मार्केट का निफ्टी का बॉटम बन चुका है। यहाँ पे आएगा तो अगेन उठेगा, ये अगले वीक नहीं होने वाला ऐसा कुछ भी, बट मैं आपको बता रहा हूं कि आने वाले वीक्स में या महीने में, ठीक है, मार्केट का एक बॉटम बन चुका है, बिकॉज ऑफ प्राइस एक्शन। वैसा वीकली कैंडल बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग हुई है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, अगर निफ्टी को देखोगे तो लाइफ टाइम हाई की जो क्लोजिंग थी वीकली की, उसके ऊपर क्लोज हुआ है, समझ में आया। तो निफ्टी ने एक अपवर्ड जर्नी स्टार्ट कर दी है, एंड वो अपवर्ड जर्नी जैसे यहां पे क्लोजिंग दी, तो यहां से अपवर्ड जर्नी के बाद ऑलमोस्ट 18,600 से लेकर के कहां गए थे 20,000, मतलब 1400-1500 पॉइंट की रैली करी, तो कोई बड़ी बात है निफ्टी यहां से 1400-1500 पॉइंट की रैली करे। स्टॉप लॉस स्विंग ट्रेडिंग वालों के लिए यही रहेगा 19,200 वाला, ठीक है, ये थोड़ी बड़ी बात होगी, लेकिन अगले वीक हमें ट्रेड करना है उसके लिए कैसे समझेंगे, वही चार्ट को हम छोटा थोड़ा टॉप डाउन अप्रोच करेंगे तो पता लगेंगे कि कहां पे क्या हो रहा है, कि कहां कहां प्राइस एक्शन हुआ है। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे तो प्राइस यहां पे आज सबसे अच्छी चीज मेरे लिए क्या हुई कि निफ्टी जो है सप्लाई जोन के ऊपर क्लोजिंग दी है। क्या दिए? सप्लाई जोन के। आपका प्राइस नीचे आएगा तो रुकेगा, जैसे ये आप जोन देखिए, ये आपका लेवल हो गया, तो अगर निफ्टी अगर गिरता है तो 18,600 से वापस उठ जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, गिरता है तो उठ जाएगा, बट इसने क्या किया, नेगेटिव ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करके प्राइस ऊपर जा रहा है, एंड नया लाइफ टाइम हाई बनाने से कोई इसको क्या नहीं कर सकता, रोक नहीं सकता, रोक नहीं सकता। आप कहोगे मैं रोकूंगा, नहीं, आपके मेरे बस की कहा, बहुत लोग बोलते हैं मैं ही मार्केट चलाता हूँ, बहुत सारे बड़े बड़े गुरु जी कहते हैं ना, नाम लेंगे गुरु जी का, लेकिन
कहते मार्केट में चलाता हूँ, है ना, तो फिर तुम्हें ऐसे बातें करने की जरूरत नहीं होती अगर मार्केट चलाते तो। अब समझ गए आपके कौन से गुरुजी बोलते, मैं तो ऐसा बोलता नहीं, हम तो जहां अपॉर्चुनिटी मिलती है वहां पे पैसा बनाते हैं, ठीक है। तो अगर आप ये देखेंगे ये आपका एक जोन है, इस तरीके से मार्किंग होती है, इसके बारे में काफी बार आपको सिखा चुका हूँ। आपका प्राइस यहाँ से ऊपर गया है, क्लोजिंग ठीक ठाक है, बट नीचे का क्या है, गिरे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ से वापस उठेगा, ठीक है। तो ये थोड़ी सी बड़ी बात होगी अगले वीक के लिए, बट पॉसिबल है, मार्केट है, पॉसिबल है कि मार्केट, मान लीजिए आपका गैप अप नॉर्मल ओपनिंग होती है, गैप अप खुलता है, प्राइस गिरना स्टार्ट होता है, 600 वाले रेंज में आता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वहां से वापस उठ जाएगा, बट ठीक है, ऊपर से प्राइस एक्शन है तो 200 पॉइंट का टारगेट भी तो है, बट ये तो डेली में है, जब टॉप डाउन अप्रोच होगी तो हमें और समझ में आएगा। 4 आवर में अगर हम देखेंगे तो ये जो कहानी है आपकी थोड़ी और सिंपल हो जाती है कि भाई ये मार्केट यहां से नहीं, ये यहीं से उठ जाएगा, कहां से, यहीं से, अगर गिरता है तो 650 से ही उठ जाएगा, ठीक है, ये हो गया, ओके। अब इसी चीज को अगर मैं 2 आवर्स में देखेंगे तो ये कहानी सिंपल है, वैसी की वैसी है कि भाई 600 वाला तो भूल जाओ, अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो पहले मार्केट तो यहीं से उठ जाएगा, 778 से लेकर कौन सी रेंज है, बेसिकली ये वाले 725 वाले, अगर मार्केट गैप अप खुलता है, ठीक है, गैप अप खुल के आना तो नहीं चाहिए ना, पहले सीधा सीधा तो निकलेगा नहीं, क्योंकि अगर आप इस तरीके से देखो प्राइस कैसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, गैप अप खुलता है एंड प्राइस वापस इस जोन में आएगा, फिर उठ जाएगा, क्या दिक्कत है, करते रहो भाई, जब भी डिप लगे करते रहो भाई, आपको क्यों बेचना जबरदस्ती। हाँ प्राइस प्रीवियस वेव के हाई टूटने के बाद प्राइस एक्शन दे, तब छोटे से टारगेट के लिए बेच देते हैं, तब बेचेंगे ना, जबरदस्ती तो करना नहीं है ना। तो वीकली का एनालिसिस क्या है, लोअर साइड अगर मैं देखूं तो लोअर साइड, नीचे की साइड डाउन साइड जो पेंडिंग है वो 19 आपका 555 से लेकर 650 में, 600 के 1900 अराउंड राउंड फिगर में आप क्लोजिंग बेसिस पे मान सकते हो, 1900 डाउन साइड है, एंड ऊपर की साइड अपसाइड क्या, फिर अपसाइड में तो कुछ भी दिक्कत नहीं है, आप देखो सब कुछ तो तोड़ दिया, अपसाइड तो सीधी सीधे एक बार 1963 है, नहीं ये भी नहीं है क्योंकि ये 2 आवर का चार्ट है, फिर तो लेफ्ट है, कहने का मतलब अपसाइड जो है जहां पे मार्केट अगले वीक में क्लोज हुआ है, तो रेंज जो अगले वीक में रहने वाली नीचे की साइड 1900 मैक्सिमम, एंड ऊपर की साइड आपका मार्केट 20,000 प्लस, 20,100, 20,200, अगले वीक की जो रेंज है वो आपकी 400 से 600 पॉइंट की रहने वाली, यही रेंज है, डिप में बाई करिए, एंड प्राइस कैसे चलेगा ऐसे से, ठीक है, तो टॉप पे आपको मिले प्राइस एक्शन हो तो एक बार के लिए सेल कर दीजिए, डिप पे फिर बाई करिए। हाँ मंडे को हो सकता है पहले मार्केट 2 दिन नीचे जाए फिर बाद में ऊपर जाए, ये पॉसिबल होता है, वीकली कैंडल में ऐसे होता है, हो सकता है दो मार्केट पहले 2 दिन ऊपर जाए, लास्ट 3 दिन फिर नीचे, दोनों चीजें पॉसिबल है। तो जैसा भी वीकली में प्राइस एक्शन होगा मैं आपको बता दूं, ठीक है, डे वाइज मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि मैं भी तो करूंगा ना इसमें, जब मैं करूंगा तो आपको मैं भी बता दूंगा, मुझे आप आज मुझे क्लियर करता निफ्टी बैंक निफ्टी के, यार मैं 600 का टारगेट मैंने ऐसे थोड़ी दिया 150 वाली कॉल का, अगर मैं फिगर्स में कोई चीज देता हूँ ना तो उसका मीनिंगफुल होता है, कल रात को ये बात बोली थी मैंने कि अगर मैं फिगर्स में कोई चीज दे रहा हूँ वो मीनिंगफुल है, तो 600 का टारगेट दिया था भाई, 500 गई है, वो मेरे एक लिमिटेशन में आपका कैपिटल का 10-15-20% मुझे गेन होता है, मैं उसके बाद शांति रखता हूँ, क्योंकि रोज करना है, डबल के चक्कर में आधा भी तो होता है ना, तो यस आप परसेंटेज वाइज एंड प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करके आपके टारगेट्स होने चाहिए, पूरे दिन बैठेंगे तो कर सकते हैं, लेकिन पूरे दिन में बैठ नहीं सकता, कहना खड़ा हो सकता, थक जाते हैं, 1-2 घंटे ट्रेडिंग कर सकता हूँ मैं, क्योंकि उसके बाद हेल्थ उतना अलाउ नहीं करती अभी अभी के लिए, अदरवाइज तो मैंने 14-14 घंटे करी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, अभी के लिए नहीं कर सकते। सेम बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे, समझ में आया ना सभी को, नेक्स्ट वीक के लिए, तो यस सर वीकली का एनालिसिस है तो सबसे पहले वीकली देखेंगे, बैंक निफ्टी तो भागा ही है मैंने बोला, और ये जो मूवमेंट आया 15 मिनट के अंदर आया था, ये जो ये पहला वाला मूवमेंट था, एक कैंडल में आया था, एक कैंडल में वो 150 वाली 350 हो गई थी, एक कैंडल में कॉल, तो ये चीज छोड़ देते हैं, एक बार डिलीट कर देते हैं सब कुछ, ये तो हो चुका है और हम कर चुके हैं इसको प्रैक्टिकली, वीकली है तो वीकली कैंडल देख लेते हैं, वीकली है तो वीकली कैंडल देख देख लेते हैं, तो बैंक निफ्टी भी ये सजेस्ट कर रहा है, बैंक निफ्टी थोड़ा ना ऊपर नीचे होके जाएगा, और ये आपको सजेस्ट भी कर रहा है, इसलिए दिक्कत होती है रिटेल ट्रेडर को बैंक निफ्टी में काम करने के लिए। निफ्टी का निफ्टी कैसे गया है,
एंड परसेंटेज वाइज जब आप देखते हो ना, मैक्सिमम टाइम तो ऐसा नहीं होता, लेकिन निफ्टी में ज्यादा गेन होता है, पीसफुली जो गेन होता है। बैंक निफ्टी में, जैसे अगर बैंक निफ्टी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो मैं निफ्टी को अवॉइड कर देता हूँ, मैं बैंक निफ्टी लेता हूँ। बाकी बैंक निफ्टी मुझे लगता है कि वोलेटाइल है, ऊपर नीचे कैंडल बना रहा है, तो मैं बैंक निफ्टी को अवॉइड करता हूँ, निफ्टी ले लेता हूँ। वो आपको समझ होनी चाहिए जब मार्केट देखते हो। ये वोलेटिलिटी के ऊपर मैं आपको क्लास करेंगे, ठीक है? तो अगर हम यहाँ पे देखें, तो कहने का मतलब ये जो नीचे की साइड भी ऊपर की साइड भी, मतलब रिटेल ट्रेडर को बाहर करके मार्केट हमेशा ऊपर गया है, तो बैंक निफ्टी से रिटेल ट्रेडर के लिए पैसा बनाना आसान नहीं है, ये समझ लो बस, ठीक है? दोनों साइड वीक है ना, इसका मीनिंग यही होता है। इसके लिए अच्छी पकड़ चाहिए, अच्छी समझ चाहिए, तब जाके। पहले बैंक निफ्टी लॉस में दिखाएगा, उससे आप डर जाओगे, फिर आप बड़ा प्रॉफिट कभी बुक नहीं करोगे। बैंक निफ्टी के साथ ये स्टोरी होती है, जैसे कि आपने जोन पे पकड़ा, लेकिन जोन पे भी वीक बना के फिर ऊपर जाता है। इसको हम एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे बाद में। तो वीकली में ये भी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन रिटेल ट्रेडर को पहले ऐसा खा के फिर ऊपर जाता है, ठीक है? ये वीकली कैंडल में समझ में आ रहा है, ये भी लाइफ टाइम हाई जाने को तैयार है, बट इसमें कुछ यहाँ पे है। अगर आप देखोगे ना, देखो इधर भी एक वीक बनी है और ऊपर भी एक वीक बनी है ना, तो ये चीज है ना, थोड़ी मीनिंगफुल होती है। क्या होती है ये? मीनिंगफुल होती है, क्योंकि कोई ना कोई तो क्लोजिंग जो ओपनिंग है वहां पे लाया और उसके ऊपर वीक निकले, फाइट हुई है, तो वो मीनिंगफुल होती है। तो ये हमें थोड़ा सा डीप में समझना पड़ेगा कि बैंक निफ्टी रुक रुक के कैसे कैसे कहाँ कहाँ जाएगा और कैसे कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं। तो वीकली एनालिसिस के लिए बात करें, तो अगला वीक लाइफ टाइम हाई के नियर बाई दिख सकता है बैंक निफ्टी में, और नीचे की साइड डाउन साइड अगेन लिमिटेड है, ठीक है? क्लियर है ये वाली बात? ठीक अच्छा है, डेली में अगर देखेंगे, थोड़ा सा मैं चार्ट को सही कर देता हूँ। डेली में अगर देखोगे तो प्राइस कैसे उठा है, ऐसे ऐसे उठा ना, तो प्राइस क्या किया है, प्राइस ऊपर गया है, नीचे आया है, ऊपर गया है, ठीक है? तो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो बेस्ट बाइंग लेवल आपका ये होता है, फिर कौन सा, अगर आपको नेक्स्ट वीकली लोएस्ट लेवल, लोएस्ट एंड हाईएस्ट रेंज निकालनी है, क्लियर है? नंबर वन चीज आपके लिए क्लियर होगी बैंक निफ्टी की, कि आपका प्राइस जिस तरीके से प्राइस बिहेवियर है, अगर यहां पे आता है आपका 44,500, आ भी सकता नहीं भी, ठीक है? तो बेस्ट बाइंग बनेगा अगर आता है, तो तब की बात करते हैं, नहीं आया तो क्या करेंगे ये भी देखते हैं। तो इधर अगर मैं देखूं तो डेली का मेरा नीट एंड क्लीन, अगर आप देखोगे सप्लाई खड़ा हुआ है, तो बैंक निफ्टी के लिए थोड़ी तकलीफ है, दिख गई वीकली में? तो अगले वीक हो सकता है कि बैंक निफ्टी साइडवेज हो जाए एंड निफ्टी के अंदर बड़ा मूव मिले, समझ में आया? पर मैं आपको एक चीज बता दूं, निफ्टी अगर लाइफ टाइम छू दिया, लाइफ टाइम हाई निफ्टी पहले चला गया, ध्यान रखना इस बात का, निफ्टी अगर लाइफ टाइम हाई पहले चला गया और बैंक निफ्टी दूर रह गया, उसी दिन निफ्टी का अवॉइड कर देना, बैंक निफ्टी भागेगा, समझ में आया? जी सर, ये थ्योरी मैंने पहले भी आपको बताई थी, निफ्टी जिस दिन लाइफ टाइम हाई छू गया, ऊपर चला गया, एंड बैंक निफ्टी पीछे रह गया, दिख रहे हैं ना इसके पीछे रहने के चांसेस? निफ्टी को तो रिलायंस उठा देगा, टीसीएस उठा देगा, आईटी अच्छा जा रहा है, इसमें तो क्या है, पीएसयू और प्राइवेट बैंक ही तो है, पीएसयू साइड वेज हो गए, प्राइवेट बैंक साइड वेज हो, क्या कर लोगे, नहीं कर सकते ना। लेकिन उधर तो बड़े बड़े वेटेज वाले स्टॉक है, वो लिफ्ट कर गए तो वो तो ले जाएंगे निफ्टी को, और इंडेक्स तो मैनेज हो ही रहा है। तो यहां पे एक बार मंडे के लिए अगर गैप अप खुलता मार्केट, ध्यान से समझना, अगर मंडे को मार्केट गैप अप खुलता है तो हम खुलते ही सेल करेंगे, ठीक है? खुलते ही सेल करेंगे बैंक निफ्टी को, ये अभी से प्री डिसाइडेड है। अगर 100 200 300 पॉइंट गैप अप खुलता है तो, अभी और लेवल देख लेते हैं इसी चीज को, अगर 4 आवर में देखेंगे तो वो यही जोन है, क्या है, तो ये जी देखोगे वो यही जोन है, ठीक है? अब नीचे की साइड, लेकिन नीचे की साइड एक अच्छा बाइंग जोन भी तो है, तो yes. हमें ट्रेडिंग के लिए अच्छी जोन भी मिल गई। असली ब्रेकआउट तो इसका यहां से होगा ना, लेकिन यहां पे ट्रेड करने में तो बहुत मजा आने वाला है अगर 44,500 आ जाए तो। लेकिन ये भी तो हो सकता है ना, मार्केट गैप अप खुल जाए, एंड ये यही जो आपका 4 आर की कैंडल क्लोज हुई है,
यही आपका डिमांड बना ले, पॉसिबल नहीं है क्या? चलो बिल्कुल सर। पॉसिबल है, मंडे को, मंडे को एंड वीकली के लिए तो आपकी रेंज होगी ना ऊपर, देखो ऊपर की साइड आपकी रेंज है 45,600 और नीचे की साइड ये रेंज आपकी 44,400, ऑलमोस्ट आपकी 1,1100 पॉइंट की रेंज है। इसके अंदर ऊपर नीचे होता रहेगा, जैसे ये ऊपर वाले रेंज को तोड़ेगा, नीचे वाले तो लग नहीं रहा कि तोड़ेगा, जैसे ऊपर वाले को तोड़ेगा भाग जाएगा। तो ब्रेकआउट के चक्कर में तो रहना नहीं है बिना कंफर्मेशन के, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के चक्कर में क्या होता है आपको पता ही है, 85 टू 85% टाइम ब्रेकआउट ब्रेकडाउन नहीं होते, प्राइस में पुल बैक आते हैं। अब इसी चीज को अगर हम 2 आवर्स में समझेंगे, ठीक है, तो 2 आवर्स में थोड़ी सी स्टोरी चेंज हो गई कि पता लगे गैप अप खुल गया, यहां ना रुका यहां आके रुके, तो दो क्योंकि दोनों ही लेवल है ना, एक लेवल यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो 3 लेवल हो गए। मान लीजिए यहाँ खुला तो बीच वाला लेवल हो गया फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ये एलओटीएल हो गया लेवल और दर लेवल, तो ये सेकंड लेवल से नॉर्मली मार्केट उठता है, तो सबको लगेगा अरे यहाँ से उठेगा, तो गैप अप खुल के अगर यहाँ से भी उठ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, क्लियर है। ऐसी रेंज आपकी यही रहने वाली, ये हो सकता है थोड़े दिन पहले जैसे आपकी मैं बोला था एक्सपेंडेड एक्सपेंडेड रेंज थी, उसके बाद प्राइस की नैरो रेंज होगी, एक्सपेंडेड रेंज के बाद प्राइस की नैरो रेंज होगी, तो बिल्कुल इस रेंज में भी चल सकता है। बाद में जैसे अभी भागा ना इस नैरो रेंज के बाद एक्सपेंडेड रेंज हुई, तो बाद में हो सकता है इस वीक ना हो अगले वीक हो, वो बाद की बात हो भी, इस वीक हो, ये स्टोरी इस वीक हो भी सकती है, जो कमिंग वीक उसमें नहीं भी हो सकता, साइडवेज भी हो सकता है बैंक निफ्टी, पहले दो पहले 1 दिन ऊपर जाए फिर अगले 4 दिन नीचे जाए, यार पहले 2 दिन नीचे जाए फिर अगले 2 दिन ऊपर जाए, सेम ऐसी कुछ मिली जुली स्टोरी रहने वाली है। तो अच्छे से लेवल पे जोन पे बाई सेल दोनों साइड के मौके मिलने वाले हैं, वो अच्छा होता है, दोनों साइड के जब मौके मिलते हैं तो ज्यादा पैसे बनते हैं, मेरा मानना है Yes. अच्छे से लेवल मिलते हैं, ठीक है। तो बैंक निफ्टी अगले वीक के लिए एक रेंज हमें 1,000 पॉइंट की है ना, उसके ऊपर ब्रेक करेगा तो हम फिर बाई करेंगे, क्लियर है। ये वाला आप चांसेस नहीं लग रहे, बिकॉज ऑफ ये भी डिमांड है, ये भी डिमांड है, ठीक है, इसको तोड़ गया तो फिर तो बहुत कुछ ही नेगेटिव हो सकता है, इतना आसान नहीं है ये समझ लो, क्योंकि एफ एंड ओ के अंदर ओवरनाइट इतने जल्दी जल्दी दो अच्छे 2 आवर्स के दो डिमांड दो सप्लाई ओवरनाइट नहीं टूटते हैं, टाइम लेता है, फिर तो हर कोई पैसा बना लेगा ना, ऐसे वन वे चलेगा तो मार्केट। ओके, तो बिल्कुल सभी को समझ में आए, यस सर।